हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मुनमुन के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करने जा रही हूँ और मैं मेरी किचन के काउंटर को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ उसका कुछ आइडिया मैं शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, देखेंगे गैस ओवन की तरफ आएंगे। तो ये है मेरा स्टील का छोटा सा गैस ओवन और उसके नीचे मैं ये है पकड़, क्योंकि कभी कभी तो कढ़ाई को पकड़ने के लिए रखता है ये, इसलिए मैं इसको जस्ट गैस ओवन के नीचे रखती हूँ। और ये है एक टावल, एक टावल मैं हमेशा इसको इधर रखती हूँ क्योंकि कभी कभी चॉपिंग बोर्ड जब रखते हैं चॉपिंग करने के लिए तो अगर काउंटर टॉप में पानी रहेगा तो फिर चॉपिंग बोर्ड स्लिप होने का चांस रहता है, इसलिए मैं हमेशा एक ऐसा टावल के ऊपर ऐसे चॉपिंग बोर्ड को रख के फिर चॉपिंग करती हूँ मेरे वेजिटेबल्स को। तो ऐसा है, उसके जस्ट लेफ्ट में है एक छोटा सा ट्रे है, इसके अंदर मैं डेली का जो दो मैं ग्लास रखती हूँ कभी भी पानी पीने के लिए रखती हूँ। उसके साइड में है एक खलबट्टा स्टील का, ये देखिए ऐसा है। और इधर मैं मेरे स्पून की स्टैंड है, ये देखिए काफ़ी सारा स्पून्स, ये फॉक और ये है बटर लगाने का स्पून, ये खलबट्टे का जो है ये स्टैंड, इसका ये सब मैंने इधर रखा है। और इधर एक प्लास्टिक का ये है स्टैंड, ये देखिए एक बड़ा है एक छोटा सा इसका है। इधर मैंने सब मेरा जो डेली का कुछ नाइफ्स, स्पैचुला, लेमन स्क्वीज़र, ये सब मैंने एक सीजर में रखती हूँ हमेशा पैकेट वगैरह काटने के लिए। तो वैसा है मेरा एक स्टैंड, कुछ पिलर, पिज्ज़ा कटर, ये सब मैं रखती हूँ, ये एक पिलर है, ये सब इधर मैं सेट करके सब रखती हूँ। फिर इसके जस्ट बाजू में मैं मेरे सब जो चॉपिंग बोर्ड और ये पोटैटो और ऑनियन स्लाइजर है, इसको इधर मैं सब एक साथ मैं रखती हूँ। ये छोटा मोटा ये छोटा सा चॉपिंग बोर्ड, इसको मैं हमेशा एक, अगर मैं मुझे एक टमाटर और एक अनियन चाहिए तो फिर इसको मैं यूज़ करती हूँ। और ये फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए, और वाइट मैंने इधर पीछे है इसको ऊपर मैं नॉन वेज वगैरह सब चॉपिंग करती हूँ। और जस्ट नीचे है एक ट्रे, क्योंकि सुबह सुबह नींद से उठने के बाद लगता है चाय पीने का मन करता है तब, इसलिए मैं हाथ के सामने मैं मेरा एक ट्रे में दो कप मैंने रखा है। और उसके जस्ट साइड में है कुछ बॉटल्स, इसमें पानी भर के मैं इधर ही रखती हूँ डेली, क्योंकि बाजू में सिंक है तो उसके बाजू में वाटर प्योरीफायर है तो उधर से डायरेक्ट पानी भर के मैं इधर ही रखती हूँ हाथ के। और इधर ये एक स्टैंड मैंने लगा है, ये ऐसे करोगे तो फिर ये निकल जाएगा और ऐसे करेंगे तो फिर ये लॉक हो जाएगा, वैक्यूम टाइप का है। और डेली का जो छकनी वगैरह है, ये एप्पल कटर, ये सब छोटा मोटा जो हैंग करने का सामान है इसके ऊपर मैं हैंग करके रखती हूँ इसको। और गैस ओवन के जस्ट राइट साइड में मैं मेरी जो ऑयल का सब कंटेनर है सब मैंने रख दिया है, ये रिफाइंड ऑयल का है और ये सरसों का तेल है और ये है घी, तो इसको मैंने एक अलग से एक ट्रे में सब सेट करके रखा है क्योंकि गैस ओवन के जस्ट बाजू में रखा है, क्योंकि मैं खाना बनाते बनाते इजीली इसको मैं ये हाथ से ले सकूँ इसलिए। और उसके बाजू में है मेरा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के ऊपर मैंने ज़्यादा कुछ सामान मैंने नहीं रखा है क्योंकि रखना भी नहीं चाहिए। और एक छोटा सा फ्लावर वास मैंने ऐसे डेकोरेशन के लिए रख दिया है। और उसके जस्ट साइड में है एक ऐसा प्लास्टिक का, देखिए कैसा है स्टैंड टाइप का। इधर मैंने मेरा जो चाय का है शुगर फ्री, और एक टिश्यू पेपर मैं रखती हूँ हमेशा, कभी कभार लगता है ऐसे हाथ कुछ तेल वगैरह लगने के टाइम अगर फटक से हाथ पोंछने के लिए। और ये है एक कैलेंडुला क्रीम, क्योंकि किचन में हम लोग काम करते हैं कभी कभी हाथ कटने का चांस रहता है, हाथ जलने का चांस रहता है, इसलिए ये क्रीम काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं इस टाइप के जो क्रीम है इसको हमेशा मैं किचन में रखती हूँ ऐसे। और फिर इधर मेरा जो गैस लाइटर है और एक सीजर इधर भी मैं रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी और मतलब हाथ के सामने मिल जाता है ये वाला। और इधर एक है फॉयल पेपर, इधर भी मैं रखती हूँ क्योंकि फॉयल पेपर किचन में तो लगता ही है। तो ऐसा है मेरा छोटा सा किचन काउंटर टॉप, आई होप आपको अच्छा लगा और कुछ आइडिया भी आप लोगों ने शायद इधर से आपको मिलेगा। और प्लीज़
बताना कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।